अलैकुम, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस वीडियो इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू माई ऑल टीचर्स, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पे हूँ और कॉन्फिडेंटली जो है मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड करवाया कि मैं हर एक इंसान के सामने खुल कर बोल सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मुझे बोलने का अच्छा सलीका है, मेरी इंस्पिरेशन ही मेरी टीचर्स हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी अपनी लाइफ के बारे में जब वो बताते थे तो मैं बहुत कुछ सीखता था। और आपको सबको पता है कि यार पहली तर्ज का जो होती है वो माँ की गोद होती है, फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उसकी पेरेंट्स भी, और पेरेंट्स तो मिलकर करते ही हैं लेकिन पेरेंट्स से भी ज़्यादा मेहनत जो एक टीचर जो है वो बच्चे पर करता है। मेरा ये नज़रिया है कि जब बच्चा तकरीबन 10 साल का हो जाता है तब उसकी जो पाकी ग्रूमिंग होती है ना, जो वो पाकी बिल्ट होता है, तो वो सारा अपनी टीचर्स की वजह से बिल्ट होता है। कुछ होते हैं यार जो टीचर्स का कहना नहीं मानते हैं, कुछ टीचर्स की ट्राई करते हैं, तो एक अलग तरह के बच्चे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर्स से बहुत कुछ सीखा, मैंने उनसे बहुत सारी सजेशंस ली हमेशा ज़िंदगी में, बहुत सारी मोटिवेशंस मैंने उनसे हासिल की। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द टाइम आपके सामने मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और जब मुझे मेरे टीचर्स बताते थे कि मैं इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक आया, मैंने ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट्स की, मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ किया, तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती थी। अभी तक उनकी जो बातें काफ़ी सारी याद हैं। तो टीचर को हमारे मुल्क में क्रेडिट इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि जी हमारी परवरिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर्स का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट होता है। टीचर्स ही जो है वो आपको दुनिया का इल्म सिखाता है, बाकी सारी चीज़ों का इल्म सिखाता है। टीचर्स ही आपको बोलने के मैनर्स सिखाता है। टीचर्स ही बताता है कि भैया आपने ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। जब इंसान बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके सिर्फ एक ही गोल होता है कि उसने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड्स हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना तो उसके दिन के अंदर यही बात चल रही होती है कि मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है। तो ये सारी बातें कौन लेके आता है एक बच्चे के माइंड में? सिर्फ एक उसका टीचर लेके आता है, तो टीचर को कोई क्रेडिट नहीं देता। सो अगर मैं आपको अपना बताता चलूँ कि मैं किस तरह का था, तो मैं एक नंबर का जो है ना बैक बेंचर था और सबसे पीछे बैठता था। बहुत ही ज़्यादा शरारती भी था, लेकिन यार स्कूल लाइफ तो थी ही थी ना। स्कूल लाइफ का तो मुझे बहुत ज़्यादा याद है, लेकिन वो किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको अपने FSC मेडिकल पार्ट 1 की बात बताता हूँ। बहुत ही अच्छे उर्दू के सर थे, लिटरेचर, उर्दू अदब, उनकी पोइट्री तो यार क्या कमाल पोइट्री थी। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता था, सर आप मुझे भी कुछ पोइट्री का बताएं, सर मुझे भी पोइट्री का थोड़ा बहुत शौक़ हो रहा है, आप मुझे बताएं। उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्री भी सीखी और उनके बोलने का तरीका मुझे इतना पसंद था, बल्कि पूरी क्लास को इतना पसंद था कि वो हम लोग कोशिश करते थे कि यार उनकी जो है ना बातें, हम लोग उनकी बातें कॉपी करें, जिस तरह से वो बोलते हैं हम उनका सारा स्टाइल कॉपी करें। लेकिन यू नो फिर जिसका स्टाइल होता है फिर उसी पे जचता है, हम पे तो नहीं जचता। फिर आते हैं जी सर हमजा, मेरे पार्ट 1 में भी टीचर रहे, मेरे पार्ट 2 में भी टीचर रहे, मुझे कभी भी 10th स्टैंडर्ड तक मुझे कभी भी जो है ना फ्यूचर टेंसेज, पास्ट टेंसेज कुछ भी याद नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से ही मैं अपने FSC पार्ट 1 में आया तो उन्होंने मुझे फ्यूचर टेंसेज याद करवाए, पास्ट टेंसेज याद करवाए, क्योंकि मुझे ये कभी नहीं भूलेंगे, ये मुझे बहुत सख्ती से याद करवाए गए थे। मिस्टर चिप्स है वो बहुत मुश्किल है, उन्होंने वो भी मुझे बड़ी सख्ती से याद कराई, वो मुझे कभी भूलने नहीं वाली अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर थे यार वो। तो थर्ड नंबर पर आते हैं जी सर सईद अनवर, जो कि मेरे पाक स्टडीज़ के बहुत ही अच्छे टीचर थे। मैंने उनको बहुत ज़्यादा हमेशा तंग किया इतना एक लिमिट में मजाक था, इतना ज़्यादा मजाक नहीं था, मेरा उनसे बहुत अच्छा मजाक भी था। और हम अक्सर जो है वो अपना ब्रेक के टाइम जाकर मैंने उनके पास बैठ जाना, उनसे हंसी मजाक करना, उनसे बातें करनी। तो फिर नंबर 4 पे आते हैं जी हमारे सरमाजिद हुसैन, हमारे फिज़िक्स के टीचर थे। मुझे एक किस्सा याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा ऐसा था कि मैं फिज़िक्स का जो मुझे लेक्चर था ना वो काफ़ी बोर लगता था, तो मैं हमेशा जो है ना आपको बताया कि मैं था एक नंबर का बैंक बेंचर। मैंने सबसे पीछे जाकर जो है ना वो सो जाना होता था। मैं अपने दोस्त को कहता था यार तू ना बस ध्यान रखी, सर आएंगे ना तो मुझे हल्की सी ऐसे करके कोनी मारती तो मैं उठ जाऊँगा। वो कहता था यार कोई टेंशन ही नहीं, डन करवाओ। तो मैं सो जाता था, ठीक है। तो वो सर एक दिन आ गए, ठीक है।
अब मैं उन वो मुझे देखते थे कि मैं सो जाता था, लेकिन वो ना इग्नोर करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया कि भाई मैं सोया हूँ, उन्होंने मुझे कान से पकड़ा उठा के एक हफ्ता मुझे उन्होंने क्लास में इंटर अपना अटेंड नहीं करने दिया। उन्होंने मुझे एक हफ्ता अपना लेक्चर अटेंड नहीं करने दिया, उन्होंने मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, बेटा यही तुम्हारी सजा है, तुम मेरे लेक्चर में हमेशा सोए रहते हो। उस दिन के बाद जनाब मुझे उनके लेक्चर में कभी नींद नहीं है, बल्कि कॉलेज में ही नींद नहीं आई। फोर्थ नंबर पे आते हैं जनाब शहजाद अतारी साहब, जो कि मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं कुरान पाक के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जो है उनसे दोबारा से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ता हूँ मैं इस टाइम, आप सबको पता है कि मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान से उनसे ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ता हूँ, और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं वो, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो टीचर्स ही यार आपके सब कुछ होते हैं, आपकी जो बैक बोन है ना वो टीचर्स होते हैं। माँ बाप तो बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, वो तो करते ही रहते हैं, और लेकिन जो टीचर्स तरबियत इंसान की कर देते हैं ना, वो इंसान कभी नहीं भूलता। जैसा कि अब बोलने का तरीका, फिर दुनिया से बात करने का तरीका, दुनिया के साथ बर्ताव करने का तरीका, वो सब जो है वो एक टीचर एक बच्चे को सिखा देता है। सो हैप्पी टीचर्स डे। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूल लाइफ में हैं या आप कॉलेज लाइफ में हैं, तो प्लीज़ अपने टीचर्स की जो है वो रिस्पेक्ट करें, और इस टाइम की यार कदर करें। ये टाइम जो है ना वो ऐसा टाइम है, जब गुजर जाता है ना तो बड़ी याद आती है। मैं जैसे आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अक्सर हम लोग इतनी शरारतें करते थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा किस्से सुनाने को, लेकिन वो फिर किसी और दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी अपनी वैल्यू बनाएं कि जब टीचर आपका नाम सुने या कहीं पर भी नाम सुने, तो आप टीचर को याद आएँ कि हाँ ये बच्चा अच्छा था, ये इतने स्टैंडर्ड में मेरे पास पढ़ा था, ये इस तरह का था, ये उस तरह का था। टीचर को आपकी हमेशा अच्छा ही याद आए। तो बस यही था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ अपने टीचर्स के लिए। सर अगर आप में से कोई भी देख रहा है, सर सईद, सर हमज़ा, सर शमरेज, अगर शहजाद गाड़ी साहब आप भी देख रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने टीचर्स से भी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, और उन्हें बताइएगा कि आप भी उन्हें कितना ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आज की ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त।